लोअर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे क्षेत्र में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण गांव जलमग्न हो गया है, जिसके चलते बरमपुर और उजियारपुर में नाले का पानी आने से स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, सोसाइटी सहित गांव जलमग्न हो गए हैं और इनकी शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ प्रभारी मंत्री को भी अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा स्कूली और आंगनवाड़ी बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, किंतु यहाँ हर वर्ष बरसात में महीनों ऐसा ही रहता है। स्कूल बंद, प्रधान पाठक ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। 3-4 साल से ये समस्या पैदा हुआ है कि पूरा पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, राशन दुकान, पूरा बस्ती पानी में डूबा रहता है। बेचा कब्जा करके नाली में घर बना लिए हैं इस वजह से, और पानी के लिए भी बहुत समस्या है। नाल डूबा तो बंद है ना, अब 1-1 महीना जब तक के पानी बही तब तक के स्कूल भी बंद रही। गाँव ट्रांसफार्मर जल चुके हैं, हफ्ता भर हो गए। पूरा अंधेरा में जनता पूरा, मतलब हमारे गांव बस्ती पूरा पानी से भर चुके हवे। सांप बिछी हमारे हवाई गांव में सांप बिछी दिखाई पड़ते थे भैया। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीओ, एसडीएम, तहसीलदार हमेशा 3-4 साल से आ रहे हैं, यहाँ नाली का कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, इसलिए ब्रह्मपुर गाँव डूबता है, स्कूल डूब जाता है, पूरा बस्ती डूबा हुआ है। आप सब देख